हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिल्क पाउडर से बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी रेसिपी। हाँ फ्रेंड्स, आज हम आपको मिल्क पाउडर से बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा लड्डू बनाकर दिखाएंगे, जो आपको और आपकी फैमिली के हर मेम्बर को बहुत पसंद आएगा, खासकर बच्चों को। बच्चे तो इसे कूद कूद कर खाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, तो आइए अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई को अपनी गैस पर रख लिया है और अब हम इसे ऑन करेंगे। 1 स्पून डालेंगे इसमें घी। तो देखिए, हमारा घी धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। हम इसे थोड़ा हाई फ्लेम पे कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे अपना मिल्क। ये मैंने 1 गिलास दूध लिया हुआ है। तो देखिए, हमारा घी भी मेल्ट हो चुका है और हमारा दूध भी बॉयल होने वाला है। तो अब हम इसमें डालेंगे अपना मिल्क पाउडर। मैंने ये बड़ा बाउल मिल्क पाउडर लिया हुआ है, ये मैं अपने दूध में डाल देती हूँ। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, मैंने अपने मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यह है बहुत ही आसानी से बनने वाली मिठाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे हिलाती रहूँगी। आपको इसे हिलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है। अगर आप हिलाओगे नहीं तो आपकी मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और हमारा जो मिल्क पाउडर और दूध है वो नीचे की तरफ लग जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून घी। और देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया है ताकि ये नीचे की तरफ चिपके नहीं। फिर इसे बनाते हुए आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इसमें घी थोड़ा ज़्यादा डालना है। अगर आप इसमें घी कम डालेंगे तो ये नीचे की तरफ लगेगा ज़रूर। आप इसमें घी का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो देखिए, आप खुद ब खुद देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई से भी अब ये छूटने लगा है। अगर इसमें घी काफ़ी होगा तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और नीचे चिपकता भी बहुत कम है। मेरी वीडियो पर कमेंट आई थी कि हमारा नीचे की तरफ चिपक रहा है, तो उसका रीज़न यही था कि आपने घी इसमें काफ़ी कम यूज़ किया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आप इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डालें। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें से हाफ निकाल लूँगी और अपने उसी बाउल में निकाल लूँगी जिसमें मैंने मिल्क पाउडर रखा था। तो देखिए, ये मैंने इतना निकाल लिया है और जो इसमें अब बचा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा फूड कलर मिलाएंगे। तो देखिए, ये मैंने थोड़ा सा 1 पिंच फूड कलर लिया हुआ है, उसे हम थोड़ा पानी में ऐड कर लेंगे और इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इससे हमारी मिठाई का कलर लाल हो चुका है। जो थोड़ा सा और बचा हुआ है वो भी मैं डाल देती हूँ। इसे थोड़ा सा रेड करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा और डाल देती हूँ। कलरफुल कई कलर के आते हैं, रेड भी आता है, ग्रीन भी आता है, लेकिन अगर इसमें आप रेड कलर डालेंगे तो काफ़ी दिखने भी आपकी मिठाई काफ़ी अच्छी दिखेगी और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, क्योंकि कलरफुल का कुछ खास असर नहीं होता है हमारी मिठाई पर। सिर्फ ये है, कलर अच्छा दिखने के लिए होता है। अब हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने ऑरेंज कलर का डो बना लिया है और एक तरफ व्हाइट कलर का डो है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बना लूँगी। तो देखिए, इस प्रकार के आपको इसके लड्डू बना लेने हैं। तो फ्रेंड्स, जितने आप लड्डू बनाओ उतने ये गोल गोल अपने छोटे छोटे लड्डू बनाकर रख दीजिएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने ये 5 लड्डू बनाकर रख दिए हैं। अब नंबर आता है ये जो मैंने रेड कलर का अपना डो बना रखा है, अब हम उसके बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसे हम पहले रोटी के आकार में बढ़ा लेते हैं थोड़ा, और फिर से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा दबाकर इसके इस प्रकार से गोला बना लेंगे और गोले को अपने इसी के अंदर रख के इसे चारों तरफ से बंद कर देंगे। और अब अपने हाथों को चिकना करेंगे और अपने लड्डू को भी अच्छे से चिकना कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये जितने दिखने में अच्छे दिखेंगे उतने खाने में भी बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। तो देखिए, हमने अपना ये लड्डू बना लिया है। इसी प्रकार एक ही करके हम सभी लड्डू तैयार कर लेंगे। तो देखिए, ये दूसरा लड्डू भी बन चुका है हमारा। एक ही करके ही मैं सभी इसी प्रकार के लड्डू तैयार कर लूँगी। हमने एक एक करके ये 4 लड्डू तैयार कर लिए हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 5 लड्डू बहुत ही बढ़िया बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हो। तो इसकी थोड़ी गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा पिस्ता लगा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एक लड्डू इनमें से कट करके दिखाती हूँ कि हमारा लड्डू किस तरह और कैसा बना हुआ है अंदर से। देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया हुआ है, आप देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे लड्डू कितने बढ़िया और कितने अच्छे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।